हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, इसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कहाँ पे एंटी कर सकते हैं उसका ऊपर भी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पे। तो पहले हम बात कर ले बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज पिवट पॉइंट आया 27136, फर्स्ट रेजिस्टेंस 27345, सेकेंड रेजिस्टेंस 27483 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 27692 और फर्स्ट सपोर्ट 26998, सेकंड सपोर्ट 26987 89 एंड थर्ड सपोर्ट 26651। तो ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट 15 मिनट का चार्ट लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। तो इनमें से आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने एक ट्रायंगल शेप, असेंडिंग ट्रायंगल शेप पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करके ये और ऊपर जाने का चांसेस है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया हुआ है। सो ये देख सकते हैं हायर हाई क्रिएट किया तो बनाए, बाद में ये फिर से नीचे आके और ऊपर जाने का चांसेस कर रहे हैं। तो अगर अभी देखें तो यहाँ पर आप एंटी कहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर देखे तो बैंक निफ्टी को मुझे लगता है ये बैंक निफ्टी का एंट्री पॉइंट आपको ये 200 एक बार तो मिल गया आपको 200 में। तो यहाँ से एक बाउंस हुआ है मार्केट, तो मुझे लगता है अगर आपको यहाँ पे एंट्री किया हुआ है तो आप 27487 का आसपास, जो प्रीवियसली हाई के आसपास है, तो वहाँ पे आप निकल सकते हैं मार्केट से, राइट। और SL आपको आज का नीचे पे लगा सकता है, लेकिन आप बैंक निफ्टी सेल में जाना चाहता है तो मुझे लगता है अगर ये जो ट्रेंड लाइन दिया हुआ है अराउंड 27100 का नीचे में आपको सेल लेना चाहिए, राइट। तो अगर डेली चार्ट में देख सकते हैं बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस ये ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तीन बार ट्राई किया था इसको ब्रेकआउट करने के लिए, तो ब्रेकआउट कर नहीं पाया। तो यहाँ से थोड़ा नीचे आने का चांसेस है, फिर भी एक सपोर्टिंग लाइन लगा हुआ है क्योंकि ट्रेंड अप है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बाय में जाना चाहिए। तो जो सपोर्टिंग लाइन है, तो अगर सपोर्टिंग लाइन को ब्रेकआउट करे तो भी आप सेल में जा सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।